बता रहे हैं भैया भगवान के सब किसी को नहीं मारे मारे काम करते ये सर नहीं कुछ किया प्लीज सर ढेला भी नहीं मारे सर कभी गलती से भी सर आज तक एक कहावत है एक तो चोरी ऊपर से सुना जोरी वही कर रहा है रेलवे विभाग हमारे साथ हमें स्टूडेंटों के साथ अगर हक मांगना बगावत है तो समझ लेना बागी हैं हम। ए दरोगा जी आप ऐसे मार रहे हैं जैसे लगता है कोई जानवर हो फिर किसी एग्जाम में कोई एग्जाम हो उसमें धांधली हो और आपका बेटा उसमें प्रोटेस्ट करे और कोई दरोगा उसे इसी तरह पीटे तो आपको कैसा लगेगा। प्रिय नीतीश जी आपके दारू बेचवा पुलिसों ने हमारे साथियों को पीटा इतना पीटा कि उन्हें PMCH भर्ती करवाना पड़ गया। धन्यवाद रहेगा पप्पू यादव जी का जिन्होंने PMCH जा करके विद्यार्थियों की संज्ञान ली और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। धन्यवाद रहेगा SK झा सर का जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे विद्यार्थियों को खाना पहुंचाने का काम किया और थू रहेगा बिहार पुलिस और RPF के उन जवानों का जिन्होंने खाना फेंकने का काम किया। प्रिया नीतीश जी आप हमारे सूबे के मुखिया हैं और हम आपकी प्रजा हैं आपका परिवार का सदस्य हैं और आज आपका परिवार एक रोड पे आ चुका है तो ऐसा किस काम का पदवी सर मुखियागिरी का चुल्लू भर पानी में डूब मरिए इस्तीफा दे दीजिए और दे दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो इसको संभाल पाए। सोशल मीडिया कहलाने वाले चटुकार पत्रकारों जो तुमने इस स्टूडेंट के पीड़ा को नहीं दिखाया नहीं देश को दिखाया नहीं सरकार को दिखाया 144वें नंबर की मीडिया तो ऐसे ही नहीं कहलाओगे यही सब करके तुम तो कहलाओगे 144वें नंबर की मीडिया जो तुमने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धराशाही किए हो तो थूकते हैं तुम पे ऐसी पत्रकारिता पर। और एक ये ग्रुप डी का कौन सा भाई आ गया है CBT 1 और CBT 2 दो एग्जाम उसके बाद फिजिकल लिया जाएगा ये कौन सा रूल आ गया तुम ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेकर के हमें IAS बनाने IAS बनाओगे DM का पदवी दोगे तो नहीं ना तो फिर इस बार ये CBT 1 CBT 2 क्यों इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा आपको नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट जारी ही रहेगा और आपको मर जाएंगे लेकिन इसको आपको कैंसिल करा के रहेंगे और यह प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अभी तो हम लोगों ने राजेंद्र नगर से आरा तक छपरा तक किया है पूरे बिहार को प्रोटेस्ट की ज़रूरत है और पूरे बिहार में हम लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर देंगे। राजेंद्र नगर में हमने धरना प्रदर्शन किया तो आपने क्या रेलवे विभाग ने जारी किया है कि वहाँ से ट्रेन नहीं गुजरेगी उसके रूट को बदलाव किया जाएगा कैसी सोच है यार कैसा माइंडसेट किए कैसी सरकार है हमारी जो विद्यार्थियों से बात नहीं करने के लिए आके उसके बदले रूट को चेंज करवा रही है ट्रेन को कहाँ तक ले जाइएगा किस रूट से लेके आइएगा सारा जगह हम लोग आ जाएंगे और आपको इस बात को वापस लेना पड़ेगा रिजल्ट फिर से जारी करना पड़ेगा और CBT 2 की जो बात की है वो भी आपको वापस लेना पड़ेगा। जो भी मंत्री इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस बात को अपनी संज्ञान में लीजिए और इसे विद्यार्थियों के हित में काम करने का कृपा प्रदान कीजिए। हम इस वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम है दीपचंद आपके रेजिमेंट KD देख रहे थे कैमरे के पीछे कुलदीप खड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah!